नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे पौधे जिनकी कटिंग जो है आप अभी जल्दी से लगा लेते हो तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी, और इनके लिए जो मिट्टी किस तरह से तैयार करना है वो भी इस वीडियो में शेयर करूँगी, किस तरह से कटिंग्स को लगाना है। और सारी कटिंग्स जो है बहुत आसानी से लग जाएंगी। इनके लिए जो है आप अगर स्पेशल मिट्टी नहीं भी तैयार करते, सिंपल आपके जो गार्डन सॉइल है उसमें भी लगा देते हैं, बिना रूटिंग हॉर्मोन के भी जो है कटिंग सारी ग्रो हो जाएगी, क्योंकि अभी अगस्त का महीना जो है स्टार्ट हो गया है और अभी भी इन कटिंग्स को जो है लगाने का आपके पास में टाइम है। तो आप जल्दी करिए, जल्दी से इन जो प्लांट्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी आप इन प्लांट्स की कटिंग को ज़रूर से लगाएं। सबसे पहला प्लांट आप देख रहे हो, यह है कॉर्डिलियन ड्रेसिना। फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था, अकेले ही अगर गार्डन को मैनेज करना है तो प्लांट्स को जो है काफ़ी सारे प्लांट्स को मैंने कम कर दिया था। देखिए, मैंने काफ़ी सारी जो कटिंग्स है एक ही पॉट में लगा दी थी, आप इसमें देख सकते हो मैंने इसमें 6 कटिंग्स लगाई है कॉर्डिलियन ड्रेसिना की, और इन्हें जो है मैंने स्पेशल मिट्टी भी तैयार नहीं करी थी, जो मेरे पास में जो पॉट में मिट्टी थी उसी मिट्टी में इनको लगा दिया था, कोई रूटिंग हॉर्मोन भी नहीं लगाया था। और आप देख सकते हो सारी कटिंग्स जो है, देखिए कितने बढ़िया से जो है ग्रो हो गई है, कितने अच्छे जो है इसमें रूट्स आ गए हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो कॉर्डिलियन ड्रेसिना की भी कटिंग जो है आप अभी ग्रो कर सकते हो, मिट्टी में पानी में दोनों में भी ये काफ़ी बढ़िया जो है आसानी से ग्रो हो जाती है, बहुत ज़्यादा भी इन्हें जैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी बढ़िया जो है सारी कटिंग्स जो है ग्रो हो गई है इसमें, आप देख सकते हो मैंने 6 कटिंग्स को एक ही पॉट में लगा दिया था। नेक्स्ट जो आप कटिंग देख रहे हो ये है गोल्डन डस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी जो कटिंग्स है मैंने इसी पॉट में जो है बहुत सारी लगा दी थी, आप देख सकते हो अभी इसमें 8 से 10 कटिंग्स जो है मैंने लगाई थी, और नीचे नीचे की पत्तियां जो है वो पीली पड़ती जाती, तो उनको जो है हमें हटाते जाना चाहिए। इसकी जो है मैंने ज़्यादा पत्तियाँ नहीं हटाई थी। देखिए, मैं इसमें से कटिंग्स को आपको निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स, और बहुत ही बढ़िया जो है इसमें भी कटिंग्स जो है ग्रो हो गई। देखिए कितने बढ़िया जो है इसमें रूट्स आ गए, देखिए ऊपर से और नीचे से, जहाँ से जो नोड एरिया होता है वहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो जैसे गोल्डन डस्ट की भी जो कटिंग है अभी आप लगाते हो मिट्टी में पानी में, तो वो भी जो है बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएगी, आप देख सकते हो। और ये मैंने सिंपल पॉट में ही लगा दिया था, जो मेरा पॉट था जिसमें प्लांट्स लगा था उसी में मैंने लगा दी थी, कोई रूटिंग हॉर्मोन भी नहीं लगाया था। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है बेबी डॉल ड्रेसिना। इसके भी मैंने 2 गमले में कटिंग्स को लगाया था, इसके नीचे की थोड़ी सी जो है मैंने पत्तियों को हटा दिया था, और देखिए एक गमले में, और ये सिंपल जो मेरे गमले की मिट्टी है उसी में मैंने लगा दिया था, कोई स्पेशल मिट्टी भी इसके लिए मैंने तैयार नहीं की थी, रोटिंग हॉर्मोन भी नहीं लगाया था। इस तरह की जो इसके नीचे नीचे की पत्तियाँ सूखती जाती है, पीली पड़ती जाती, तो उनको जो है हटाते जाना चाहिए, इस तरह से मैंने हटा दिया था। सारी कटिंग्स जो है बहुत ही बढ़िया से ग्रो हो गई है, अभी जो है मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स कितनी बढ़िया से जो है लगे, देखिए कितनी बढ़िया, वाव बहुत ही बढ़िया जो है इसमें रूट्स आ गए, आप देख सकते हो। इसकी कटिंग जो है आप पानी में मिट्टी में दोनों में भी ग्रो कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे जो है इसके गमले थे मेरे पास में 5 से 6 गमले थे, उनको जो है मुझे कम करना था, तो इनको जो है कट करके मैंने एक ही गमले में सभी कटिंग्स को लगा दिया। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, ये ग्रीन वाला है, ये ड्रेसिना की एक वैरायटी होती है, देख सकते हो फ्रेंड्स। इसकी भी जो है मैंने इसमें 7 से 8 कटिंग्स को लगा दिया था, नीचे की पत्तियाँ जो पीली होती जाती है उनको जो है मैंने हटा दिया था, ज़्यादा भी नीचे की पत्तियों को जो है मैंने हटाया नहीं था, और वैसे ही इन कटिंग्स को मैंने इसमें लगा दिया था। और देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया, वाव बहुत ही बढ़िया जो है इसमें रूट्स आ गए, मैं भी जो है आपको पहली बार ही मैं भी देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे इसमें रूट्स आ गए हैं। तो सारी कटिंग्स जो है लग गई है, मैंने एक ही पॉट में लगा दी थी क्योंकि मुझे पॉट भी कम करना था। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो अरेलिया, इसकी भी जो है आप देख सकते हैं नीचे की पत्तियाँ जो है ऐसे पीली पड़ गई थी, सूख गई थी, उनको जो है मैंने हटा दिया है अभी, और ये भी सारी कटिंग्स जो है मैंने एक ही गमले में लगा दी थी, इसमें भी जो है 4 से 5 कटिंग्स को मैंने लगा दिया था। देखिए इसकी भी कटिंग्स जो है मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए अरेलिया में भी कितने बढ़िया जो है रूट्स आ गए। तो आप जो है अभी इन कटिंग्स को लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया सीज़न है, अभी बरसात का सीज़न चल ही रहा है, इस मौसम में जो है हम कटिंग्स को लगाते हैं पानी में मिट्टी में, तो ये जो प्लांट्स हैं बहुत ही आसानी से जो है ग्रो हो जाते हैं, इनको जो है रूटिंग हॉर्मोन भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्पेशल मिट्टी भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही आसानी से जो है ये प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। और आप देख सकते हो कितने बढ़िया जो है इसमें जड़ें निकल के आई हैं, देखिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है इरेंथिमम। इसकी भी जो कटिंग है बहुत ही आसानी से लग जाती है, ये भी प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह की आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करके इसमें लगा दीजिए तो ये कटिंग्स जो है लग जाएगी। इसे जो है मैंने इस तरह के ग्रो बैग में लगा दिया था, तो मैं इसे जो है आपको निकाल के दिखाती हूँ। और इसे भी जो है रूटिंग हॉर्मोन भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी आप पतली सी मोटी सी ब्रांच कोई भी मतलब ब्रांच को लेके लगा देते हो सिंपल मिट्टी में भी, तो ये भी आसानी से ग्रो हो।
कितनी बढ़िया जो है इसमें जड़ें बन चुकी हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है पेट्रा क्रोटॉन, इसे भी जो है आप अभी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये जो क्रोटॉन देख रहे हो ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, इसका मदर प्लांट दूसरे एक मतलब गमले में लगा है, तो इसकी भी जो है मैंने छोटी सी कटिंग्स को लगा दिया था साइड ब्रांच को कट करके। तो पेट्रा क्रोटॉन की भी कटिंग जो है आप अभी लगाते हो तो लग जाएगी। ये भी प्लांट जो है नर्सरी में काफ़ी महंगा मिलता है, देख सकते हो आप कितने बढ़िया जो है इसमें रूट्स आ गए हैं। और बारिश के दिनों में इनकी कटिंग्स को हम ग्रो करते हैं, बहुत आसानी से ग्रो जाती है। और ये सारे जो प्लांट्स हैं आप देख सकते हो, ये मार्जिनेटा ड्रेस है ना, इसके जो है ये मदर प्लांट है, यहाँ से जो है मैंने कटिंग को लेकर लगा दिया था। इसमें रात रानी की गंधराज की भी कटिंग को मैंने रख दिया, ये भी अच्छी से ग्रो हो गई है। देखिए यहाँ से जो है मैंने कट कर दिया था और इसकी भी कटिंग जो है मैंने देखिए सिंपल जो है गार्डन सॉइल में लगा दी थी, इसमें रूटिंग हॉर्मोन भी नहीं लगाया था। आप देख सकते हो इसकी कटिंग भी जो है बहुत ही बढ़िया ग्रो हो गई, आप देख सकते हो कितने अच्छे जो है इसमें जड़ें बन चुकी है। और देखिए फ्रेंड्स ये है ड्रेसिना का प्लांट, इसका भी अच्छा सा नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसकी जो है मैं अभी आपको कटिंग लगा के दिखाऊंगी। देखिए इसमें जो है ऐसी साइड ब्रांच आ रही है, तो इसे जो है मैं यहाँ से नीचे से कट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है मैं इसकी ब्रांच को कट करके इसे लगा दूंगी, तो ऐसे देखिए इस तरह से कट कर दिया है। और इसकी जो है नीचे की दो तीन पत्तियाँ जो है हम हटा लेंगे, तो देखिए इस तरह से ज़्यादा नहीं, हम थोड़ी ही पत्तियों को हटा देंगे, तो इस तरह से इनकी पत्तियों को निकाल के जो है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है एक पॉट लेना है, कोई भी हम पॉट लेते हैं उसमें ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम ठिकरी से या कपड़े से किसी भी चीज़ से जो है इसे हम हल्का सा जो है बंद कर देंगे। यहाँ पर जो है मैंने वन पार्ट जैसे सैंड ली है, रिवर की सैंड, एक चम्मच जो है मैंने नीम की खली, और वन पार्ट जो है मैंने इसमें गार्डन सॉइल जो है अभी गीली है बरसात के कारण, तो इन सबको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कटिंग लगाने के लिए जो है मिट्टी हमें हमेशा पोरस रखनी है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, और थोड़ी सी जो है हमें वेल ड्रेन मिट्टी को हमेशा तैयार करना है ताकि इसमें जो है पानी खड़ा ना रहे, पानी जल्दी से जो है ड्रेन आउट हो जाए, ताकि पानी रुकने से भी जो है फ्रेंड्स हमारी कटिंग जो है गलने लगती है, सड़ने लगती है। तो मिट्टी हम ऐसे तैयार करेंगे जिसमें जो है पानी रुके ना बिल्कुल, पानी झड़ से जो है ड्रेन आउट हो जाए, और पोरस मिट्टी रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं। पोरस इसलिए भी कि रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाए, इसमें अच्छे से जड़ें बन जाए। देखिए इस तरह से हम पानी दे देंगे, देखिए पानी कितने जल्दी से जो है एब्जॉर्ब कर लिया है मिट्टी ने, ये देखिए इस तरह से नीचे से पानी निकलने तक जो है हमें वाटरिंग करना है बस एक बार अच्छे से। सेकेंड टाइम वाटरिंग करेंगे जब इसकी मिट्टी हल्की सी ड्राई हो जाएगी, मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, सॉगी नहीं रखना है। देखिए इस तरह की शेड वाली जगह पे रख देंगे जहाँ इसको धूप भी ना लगे ना ही बरसात का पानी लगे। नेक्स्ट जो आप कटिंग देख रहे हो ये है यूफोरबिया मिली, इसकी भी कटिंग जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। अभी जो है इसकी कटिंग को आप ग्रो करते हो तो नवंबर से जो है ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते, तो अभी जो है टाइम है आपके पास में, इसे जल्दी से आप ग्रो कर लीजिए। तो ये थी फ्रेंड्स सारी कटिंग्स, 10 कटिंग्स, बहुत ही आसानी से ये कटिंग्स जो है ग्रो हो जाएगी। रूटिंग हार्मोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मिट्टी भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल मिट्टी में भी आप लगा देंगे तो ग्रो हो जाएगी। सो फ्रेंड्स तो अभी आप जल्दी करिए और इन सारी कटिंग्स को जो है आप लगा लीजिए। तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।